हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सभी सुन रहे हैं कुणाल की हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गांव की डरावनी कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी को। गांव के किनारे पर एक इमली का पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली हुई थी। कोई कहता कि वहां चुड़ैल रहती है, तो कोई कहता कि वहां कोई रहस्यमयी तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। एक रात गांव में एक महिला दो जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई। घर के सभी लोग सदमे से ग्रस्त थे। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुआ था और इस तरह दो दूध मुंहे बच्चे को छोड़कर वो चली गई। उसके पति का नाम प्रकाश था। प्रकाश की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। खैर, अब सवाल था उन बच्चों की परवरिश का। तो इसका जिम्मा प्रकाश की भाभी ने लिया, जिनका खुद का भी 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश घर लेके आए, तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया। फिर उसे सुहागनों की तरह सजाया गया और वो अंतिम यात्रा के लिए चली गई। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात प्रकाश लौटने लगा, तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा। कारण यह था कि अगर वो लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है कि नवविवाहित और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, और अगर वो वापस लौटी तो अपने वर या बच्चों को अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करती है। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज़्यादा फेंका जाएगा, उनके लिए एक एक बीज चुनकर लाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन माँ के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा, खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी। अपनी पत्नी को देखकर वो मंत्रमुग्ध सा रह गया। वो बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो इमली का पेड़ है, वहाँ आइए। ऐसा बोलकर वो गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उसने उस इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को भूलकर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वो उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसे पायल की छनक सुनाई पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। वो पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, मोगरे के गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वो भूल ही गया था कि वो मर चुकी है। फिर उसे बाहों में भर के वो फूट फूट कर रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप कराते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम अगर राई के उन बीजों को पीछे ना फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। मेरे 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो मुझे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा करना, मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे नहीं पलटना,
लेकिन तुम पीछे पलटना, तभी मैं वापस आ सकूंगी। अपनी पत्नी के मुंह में फंसा प्रकाश ये भूल चुका था कि एक आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वो तो बस अपनी पत्नी वापस चाहता था, अपने दूध मुहे बच्चों की माँ वापस चाहता था। खुशी खुशी वो घर वापस आकर सो गया और दस क्रिया के दिन का इंतजार करने लगा। दस क्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एवं सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटते वक्त पीछे न पलटे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पलटना यानी मौत को बुलावा देना है। मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रख कर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई। वो पीछे पलटा और हाथों से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा और वो आत्मा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे और खिलती हंसी देख सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है, जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ दिन पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाज़ा बंद किया। वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी ही है, पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बन रही हैं और फिर उसे उसकी पत्नी नजर आई। वो आगे बढ़ी और बोली, प्रकाश मैं लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उनके पास सोए हुए हैं। ये क्या प्रकाश, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ा है? अभी के अभी उन्हें यहाँ ले आओ, वो अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखियाँ नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ मेरी दो सखियाँ भी आई हैं, वो भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। प्रकाश दुविधा में पड़ गया। तभी उसने देखा कि दो औरतें, एक जिसके हाथ में एक बच्चा है, ये औरत गर्भ अवस्था के सातवें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे सहित मर गई थी, और दूसरी जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन है, ये औरत सुहाग रात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। ये सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वे दोनों प्रकाश की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में, तुम्हारे घर में किन्हीं दो लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये आजन्मा बच्चा रहेगा, और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा जिसे वो जल्दी ही मारकर रूह में परिवर्तित कर देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में, लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस्या तक का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। प्रकाश इन सारी बातों को सुनकर बुरी तरह से घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, देखो नीलम, मैं बस ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ मेरे पास रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने को कहो, मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा आने देना नहीं चाहता, और फिर ये दोनों मुझे मारने की भी बात कर रही हैं, तुम उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। नीलम हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो, तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफ़ी है प्रकाश, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ।
नीलम की बातें सुनते ही प्रकाश के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो अपने आप में पछताने लगा। नीलम और वे अन्य आत्माएं कमरे में उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। इतना भयानक नज़ारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कमरे से बाहर निकल आया। अब उसने मन में ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को हर हालत में उसे बचाना है। पहले उसने सोचा कि ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन अगर उसने सबको बताया तो सब बुरी तरह घबरा जाएंगे। ये सोचकर उसने सबको बताने का मन बदल दिया। वो मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा, जो पहले इमली के पेड़ पर लटकी डायन से दो नवजात शिशु को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया कि वो तकलीफ में है। प्रकाश उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी अब बीती सुनाई। फकीर बोला, देखो प्रकाश, ये एक बहुत ही भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, इन तीनों ने ही तुम्हारे घर पर कब्जा कर रखा है। इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ मैं ज़रूर निकालूंगा। अभी तुम घर जाओ। प्रकाश जब घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसकी नज़र भाभी पर पड़ी। वो सारे बाल बिखेर कर सफ़ेद सफ़ेद आँखों से उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। वो ज़ोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़े चले आए। सब ये नज़ारा देखकर घबरा गए। यकीन वो नीलम ही थी जो प्रकाश की भाभी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने साथियों को बुला रही थी और अचानक ज़ोर की हवा चली और प्रकाश के बड़े भाई विकास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लेकिन ये क्या था, ये कोई साधारण हंसी नहीं बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर एकदम हंसी रुकी और बोले, मैं हूँ कोमल, शादी के दिन पति ने मार डाला, अब अपनी सखी नीलम के कारण मुझे वापस पति मिलेगा। इस औरत को मारकर इसके पति को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फिर एक और गर्जना के साथ प्रकाश की भाभी में से एक और आवाज़ आई, मैं हूँ नीलम की सखी राजनी, मेरी गर्भ अवस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ ही मौत हो गई थी, अब मैं भी यहीं रहूँगी और एक शरीर को अपने साथ ले जाऊँगी। नीलम के दोनों बच्चे, नीलम का पति, इस औरत का पति, सबको ले जाएंगे हम और फिर अपना परिवार बनेगा। प्रकाश के बूढ़े माता पिता, चाचा चाची सब घबराकर रोने लगे और अचानक से प्रकाश की भाभी बेहोश हो गई और विकास भी जोर जोर से हंसते हुए बेहोश हो गया। अब तो जान पे बन आई थी। प्रकाश और उसका चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उसने उन्हें पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। पुजारी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। पुजारी ने उन्हें कहा कि काल रात्रि की अमावस के एक दिन पहले तुम्हें उसी मरघट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आवाहन करना होगा, लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है उतना करने में नहीं। तुम्हें 12 बजे रात में ही ये काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी, लेकिन अगर उस वक्त तुम डर गए तो समझो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद होने से नहीं बच सकेगा। पुजारी ने अभिमंत्रित कील प्रकाश के हाथ में दी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र दिया। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते, कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ से तड़पते चिल्लाते रहते, कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते।
कभी जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं घर के शौचालय में बैठ गईं, क्योंकि वहां देवदूत नहीं आएंगे। पर इन देवदूतों की वजह से प्रकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर से आत्माओं को निकलना पड़ा और प्रकाश तुरंत ही डॉक्टर को ले आया, उनका इलाज करवाया और उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि आत्माएं उनके अंदर दोबारा प्रवेश ना कर सके। लेकिन यह रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन इन आत्माओं की शक्तियां और ज़्यादा होंगी। काल रात्रि के एक दिन पहले आधी रात को प्रकाश कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का आवाहन किया और जमीन पर कील ठोकने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा और उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर जोर से चीखने की आवाज़ें निकली और फिर अचानक शांति छा गई। अब उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आवाहन किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में इतनी जोर जोर से चीख रहा है जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी। पसीने से भीगा हुआ उसने अब कांपते हुए तीसरी कील निकाली और राजनी का आवाहन किया, लेकिन राजनी ने उसे कील ठोकने का मौका ही नहीं दिया और प्रकाश को हवा में उछाल दिया। प्रकाश के हाथों से कील गिर गई। वो उस अंधेरे में कील तलाशने लगा, लेकिन इधर राजनी ने उसकी गर्दन पर काट दिया। वो चीखा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राजनी उसे घसीटने लगी और इसी दौरान जमीन पर गिरी कील प्रकाश के हाथ लग गई। उसने तुरंत पूरी ताकत से पास में रखे पत्थर से कील ठोक दी और मरघट में सन्नाटा छा गया। उसकी जान में जान आई और राहत की सांस लेकर वो घर पहुंचा। जब घर पर उसने सभी को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने भैया को गले लगा के वो रो उठा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब दिल मत छोटा करो प्रकाश, खतरा टल चुका है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जरा अपने नन्हे बच्चों के बारे में तो सोचो। तभी प्रकाश अपने बच्चे की तरफ बढ़ा और उसने एक नन्हे मुन्ने को गोद में लिया और सहलाने लगा। बच्चा रोने लगा। फिर उसकी भाभी ने उस बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाने के लिए कमरे में ले गई। प्रकाश ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसने जैसे ही उसे चुपकारा, बच्चे ने आंखें खोली। सफ़ेद आंखें और गालों पर काले निशान। वो बच्चा मुस्कुराने लगा। वो समझ चुका था कि वो एक और कील ठोकना भूल गया है उस आजन्मे बच्चे के लिए जिसने उसके बच्चे पर कब्जा कर लिया है। कहा जाता है कि अघोरियों का काला जादू बहुत ही रहस्यमय तरीके से आता है। मेरे गांव की एक कहानी है जिसे मैंने अपने दादी जी और गांव के बाकी बड़े बूढ़ों से सुना है। आज से करीब 60 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कई अघोरी रहते थे। वो गांव में ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, कई खाली खेत थे। उन्हीं खाली खेतों में अघोरी अपना गुजारा करते थे। हर दिन रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अघोरियों की टोली का मुखिया एक कंकाल और आग जलाकर कुछ मंत्र बोलकर सिद्धि करता, पर इसके बारे में गांव में किसी को भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो ये सब रात के समय करता था। पुराने समय में बिजली की भी कोई खास इंतजाम नहीं था, तो लोग भी जल्दी ही सो जाया करते थे। एक औरत उसी अघोरियों के टोली की थी जो गर्भवती थी। पैदा होने के एक महीने बाद उसका बच्चा गायब हो जाता है और वो बच्चा कोई और नहीं, उस अघोरियों का मुखिया ही गायब करवाता है, वो भी उसके बाप के मर्जी से, और उसकी बलि दे देता है।
गांव से थोड़ी दूर एक बगीचा था। वहां की जमीन में काफी खजाना दफन था, पर उसे तंत्र शक्तियों से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उस पर उसी तरीके का तंत्र करके उसे बाहर निकाला जा सकता था। इसलिए उस अघोरियों के मुखिया ने उस बच्चे की बलि दी थी, जिसके खून को चढ़ाने के 15 दिन बाद वो खजाना बाहर आता। अब अघोरी का सरदार अपनी सिद्धि और शक्तियाँ बढ़ाने के लिए और तंत्र ज्ञान लेने लगा। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब खजाना खुद बाहर आने वाला था। 15 दिन पूरे हो जाते हैं। मुखिया उसी दिन का इंतजार करता है। रात के 2 बजे अचानक से कुछ हिस्से की जमीन अंदर धंसने लगती है और उसमें से राजा महाराजाओं के समय का एक बड़ा सा घड़ा निकलता है, हीरे जवरात से भरा हुआ, और अपने आप बगीचे के चारों कोनों में नाचने लगता है। उसमें नर बलि देने की वजह से खजाना जीवधारी हो जाता है। जैसे ही कबीले का मुखिया उस घड़े में हाथ डालता है, वैसे ही उसमें से काला सांप निकलता है और उसे डस लेता है, और अचानक से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है, और देखते ही देखते वो खजाना धरती के भीतर घुस जाता है। सुबह सारे अघोरियों की भीड़ जमा हो जाती है और 2-4 गांव वाले भी आ जाते हैं जो पास के ही गांव के थे। मुखिया को सब लोग उठाकर उसे कबीले में लेकर जाते हैं और सांप काटने का मंत्र पढ़कर उसे ठीक करते हैं। तभी कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है, पर उसे एक आंख से कुछ दिखाई नहीं देता। गांव वाले और कबीले वाले डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्योंकि सांप काटने से आंखों की रोशनी तो नहीं जाती। फिर गांव वाले पूछते हैं, बाबा तुम इतनी रात को गए ही क्यों थे? मुखिया बोला, वहां बगीचे में एक चुड़ैलों का साया है, मैं उसी को कैद करने गया था, पर उसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। गांव वाले अब बहुत डर जाते हैं। मुखिया ऐसा जानबूझकर कहता है क्योंकि वो खजाना अब प्रकाशित होने लगा था। अगर कोई गांव वाला देख लेता तो उसके काम में बाधा आती, इसलिए उसने गांव वालों को झूठी कहानी बता दी, जिससे कोई उस बगीचे की तरफ न जाए। पर अब मुखिया सोचने लगता है कि बलि देने के बाद भी वो क्यों उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया, और वो सांप हो ना हो उस खजाने का रखवाला सांप ही है। मुखिया कुछ करीब 1 हफ्ते की तंत्र समाधि में लीन हो जाता है, जिसमें वो काल देवता को प्रसन्न करके उस खजाने को निकालने की तरकीब पूछना चाहता है। 1 हफ्ते की घोर कठिन तपस्या के बाद आखिरकार काल देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी मुखिया अपनी सारी कहानी उन्हें बता देता है। फिर काल देवता उसे बताते हैं कि ये कोई आम खजाना नहीं है जिसे जमीन से खोदकर आसानी से निकाल लिया जाए। ये एक जीवदारी खजाना है जिसकी रखवाली एक चमत्कारी सांप को सौंप दी गई है, और ये सांप 200 साल से इस खजाने की रखवाली कर रहा है। तुम्हें उस सांप को मंत्रों के द्वारा ही ख़त्म करके एक छिपकली को उसका रखवाला बनाना होगा, तब तुम उस खजाने के मालिक बन सकोगे। तब तुम जब चाहो ये खजाना ले सकते हो। इतना कहकर काल देवता गायब हो जाते हैं। एक गांव की औरत उसे ये सब करते हुए देख लेती है, पर वो सुन नहीं पाती कि वो क्या और किसके बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से उसे खजाने के बारे में कोई भी भनक नहीं लगती। अगले दिन ठीक रात के उसी समय मुखिया उस बगीचे के लिए निकलता है जिस समय वो खजाना निकालने वाला होता है, पर मुखिया की वजह से वो खजाना कहीं गायब हो जाता है और उस दिन प्रकाशीय नहीं होता। वो अपनी तंत्र साधना से पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसके मात्र स्पर्श करने की वजह से वो धन गायब हो गया है। अब उसका जब समय होगा तभी वो खुद ब खुद प्रकाशीय हो जाएगा,
और ये सब उस चमत्कारी सांप ने किया है जो सदियों से उस खजाने की रखवाली करता आ रहा है। इतने में सब गांव वाले आ जाते हैं और मुखिया को पत्थर से मारने लगते हैं, क्योंकि वो औरत उन्हें सब बता देती है। पत्थर मारने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और सारे अघोरियों को गांव छोड़कर भागना पड़ता है। इस खजाने की बात किसी को पता नहीं चलती सिवाय उस आदमी के जिसने अपने बच्चे की बलि दी थी इस खजाने के लिए, जिसका नाम था किशन। क्योंकि बाबा का सबसे करीबी था इसलिए उसे तंत्र विद्या का भी काफ़ी ज्ञान था, पर वो बिना मुखिया के उस खजाने को निकाल नहीं पाता। अब सारा कबीला किसी दूसरे गांव चला गया और लोगों की सहमति से किशन को गांव का मुखिया बनाया गया। अब मुखिया की मौत हुए 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन अचानक से किशन को सपना आता है और वो घबरा कर उठ जाता है। और घबराए भी क्यों ना, सपने में और कोई नहीं बल्कि मुखिया ही रहता है जो काफ़ी भयानक रूप में दिखाई देता है। किशन को लगता है कि ये शायद उसका कोई वहम होगा और फिर वो उठकर पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन रात को फिर वही सपना किशन को सताने लगता है और इस बार मुखिया ने सपने में कहा, मेरी अकाल मृत्यु हुई है जिसकी वजह है वो गांव वाले, उस पूरे गांव वालों को तबाह कर दे वरना मैं इस पूरे कबीले को ख़त्म कर दूंगा और तेरे पूरे परिवार को भी। किशन की नींद खुल जाती है और कुछ देर बाद मुखिया उसके सामने दिखाई देने लगता है। तुझे समझ में नहीं आता क्या, मेरी रूह प्यासी है उस खजाने की, मुझे वो खजाने को हासिल करना है, मेरी शरीर मृत है मेरी आत्मा नहीं, किशन कहता है। पर मुखिया जी, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे पूरी विद्या का ज्ञान नहीं है। मुखिया बोला, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ, मुझे एक मृत शरीर चाहिए जिसमें मैं जी पाऊँ। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप, जितना कहा है उतना कर। मुखिया के घूरने से किशन के मुंह से खून निकलने लगता है और मुखिया इतना कहकर वो गायब हो जाता है। अब तो किशन समझ गया था कि अकाल मृत्यु की वजह से मुखिया की आत्मा उस खजाने को भूली नहीं है, क्योंकि उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी। और मुखिया कोई मामूली तांत्रिक तो था नहीं, उसने खुद काल देवता को प्रसन्न किया था, इसलिए मरने के बाद वो एक खतरनाक रूह है जो कि किसी ब्रह्म राक्षस से कम नहीं। इसलिए किशन भी सोच में पड़ जाता है कि अगर वो उसकी बात मानता है तो थोड़ा बहुत खजाना उसे भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बीवी बच्चे और कबीले वाले खुशी से गुजारा कर पाएंगे, और अगर नहीं मानेगा तो वो खुद की और पूरे कबीले वालों की जान गवा बैठेगा। किशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर करे तो क्या करे। अब किशन सोच में पड़ जाता है, इतनी आसानी से तो मुखिया की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अब किशन रात को साधना में लग जाता है और किसी तरह मुर्दा घर से गड़ी हुई लाश उठाकर लाता है। जैसे जैसे मुखिया की आत्मा उसे बताती है, किशन ठीक उसी तरह करता है। करीब 3 दिन बाद उस लाश से बदबू आने लगती है। 4th दिन रात को करीब 2:30 बजे उस मुर्दा शरीर में मुखिया की आत्मा प्रवेश कर जाती है। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थी, उसे देखकर भी किशन को डर लग रहा था। सवास किशन, तूने मुझे फिर से जिंदा कर दिया, इसका इनाम तो तुझे मिलेगा, किशन खुश हो जाता है, वो भी लालची ही था। अब दोनों तंत्र साधना करके उस धन को निकाल लेते हैं, लेकिन अब मुखिया की आत्मा चंडाली हो चुकी थी, मरने की बात भी जीने की लालसा थी उसमें। वो एक एक करके कबीले वालों की बलि देने लगा। किशन भी परेशान हो चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत उसी की वजह से हुई थी, और रोते रोते काल भैरव के मंदिर में जाता है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने पाप कर दिया है जिसको सुधारने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, हे भगवान मुझे रास्ता दिखाइए।
इसी तरह रोज मुखिया से छिपकर रोज मंदिर जाने लगा और भगवान से माफी मांगता। एक दिन वो उसी तरह रोते हुए अपना सर पत्थर पर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। तभी वहाँ उसके कबीले के पहले वाले मुखिया प्रकट हो जाते हैं, जिनके मरने के बाद ये पापी मुखिया चुना गया था। वो बहुत महान आत्मा थे। उन्होंने बताया कि मेरी जान अचानक नहीं गई थी, मुझे धोखे से मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मारा गया है, और वो और कोई नहीं यही मुखिया है। तुमने उसे वापस से शरीर देकर बहुत बड़ी भूल कर दी किशन। अब उसको सिर्फ खजाने की लालच नहीं है, अब उसे राक्षस की ताकत चाहिए। किशन ने कहा, मैं उसे जान से मार दूंगा। मुखिया की आत्मा ने बोला, कितनी बार मारोगे, वो तो पहले से ही मरा हुआ है, उसे मारना कोई आसान बात नहीं है, और उसने अपनी जान तुम्हारे दाहिने हाथ में कैद की है। जिस समय तुमने तंत्र से उस मुर्दे को जागृत किया, उन्हीं हाथों में उस दुष्ट ने अपनी जान कैद कर दी। अब क्या करें गुरुजी, आप ही रास्ता दिखाइए। तुम माँ काली की साधना करो, उन्हें आमंत्रण दो कि तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे और उस पापी का सर्वनाश करे। जब वो तुम्हारे शरीर में अगर अपनी छाया भी डाल देगी, तो उनके हाथ में जो शस्त्र है तुम्हारे हाथ से मिल जाएगा। देवी के स्पर्श से ही उसका शरीर जलने लगेगा, और फिर उस मृत शरीर पर माँ काली ही विजय पा सकती है, क्योंकि अब वो बहुत ताकतवर बन चुका है। जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे ही किशन करता है। इतना तो किशन भी जान चुका था कि अगर इस बात की खबर मुखिया को पता चली तो वो मुझे जान से मारने में एक मिनट भी नहीं लगाएगा। इसलिए वो अपनी साधना के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता था। काफ़ी ढूंढने के बाद कबीले से 10 कोस दूर एक हजारों साल पुराना देवी का मंदिर था। इससे ज़्यादा पवित्र जगह किशन को नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो साधना करने के लिए वहीं बैठ जाता है। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, पर अभी तक माँ काली प्रकट नहीं होती, और इस बात की खबर मुखिया को हो जाती है, और वो उसे जान से मारने के लिए ढूंढने लग जाता है। जब वो गांव के आसपास नहीं दिखता, तो मुखिया अपनी तंत्र शक्ति से एक समय चक्र बनाता है, जिसमें उसे सब शीशे की तरह दिख जाता है, और वो उसी ठिकाने की ओर निकल पड़ता है, और कुछ देर बाद वहाँ पहुँच भी जाता है। जैसे ही मुखिया मंदिर में घुसने की कोशिश करता है, उसे जोरों का झटका लगता है और वो मंदिर के कुछ 40 फुट दूर जाकर गिर जाता है। मुखिया समझ जाता है कि जब तक किशन इस मंदिर के अंदर है, तब तक वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया कबीले वालों को उसी मंदिर के पास लाकर उन्हें मारकर शैतानों को खुश करने की बात करता है। जैसे ही वो हसिया उठाकर मारने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ता है, ये शक्ति थी किशन के साधना करने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उसकी शुद्धता के वजह से उस पवित्र स्थल पर मुखिया ये सब करने में असफल हो जाता है। उतने में ही मुखिया अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ काट देता है और माँ काली के चरणों में अर्पण कर देता है, जिसमें उस मुखिया की जान कैद थी। ऐसा करने से मुखिया छटपटाने लगता है, पर उस पर कोई खास असर नहीं होता। अपना हाथ काटने की वजह से किशन मूर्छित हो जाता है। तभी मुखिया उसे अपनी शक्तियों के द्वारा उसके शरीर को बाहर लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से हवाएं चलने लगती है और उस तूफान से निकलती है स्वयं कालरात्रि की माँ काली, जिसे देखकर मुखिया भी राक्षस का रूप धारण कर लेता है। ओ, तू आ गई इसे बचाने, तू भी मारी जाएगी, तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जैसे ही इतना कहकर मुखिया माँ काली की ओर हाथ बढ़ाता है, वैसे ही माँ काली उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसके आधे धड़ पर पैर रखकर उसके 2 टुकड़े कर देती है। मुखिया का शरीर जलकर राख हो जाता है। सभी गाँव वाले ये दृश्य देख कर दंग रह जाते हैं और माँ काली की आरती उतारने लगते हैं ताकि वो शांत हो जाए। माँ काली किशन की ओर देखती है और
उनके मात्र देखने भर से ही किशन का हाथ जुड़ जाता है और वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो माँ काली के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है। माँ उसे माफ़ कर देती है और गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से सारे कबीले वाले उस मंदिर के पास आकर रहने लगे और वो जो धन मिला था वो किशन सारे कबीले वालों में बारी बारी से बंटवा दिया और सब अब खुश थे। इंसान की लालच उसे कहां से कहां ले जाती है। पहले तो मुखिया को गुरुजी के पद पाने की लालच थी, उस लालच में आकर वो उन्हें मार देता है, फिर खुद मुखिया बन जाता है और फिर खजाने की लालच में आकर खुद की जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।